डॉक्स एड्रॉप से जो भी लोग डॉक्स टोकन विड्रॉ लगाए थे, चाहे वो एक्सचेंज के लिए या फिर टेलीग्राम वॉलेट के लिए, सभी लोग उनका डॉक्स टोकन उनके एक्सचेंज या फिर वॉलेट पे मिल चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्स टोकन को कैसे आप लोग सेल करेंगे, कैसे सेल करके उसको बैंक में आप लोग जो अपना INR है उसे विड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग का सवाल आ रहा था टेलीग्राम पर, बोल रहे थे भाई डॉक्स टोकन का सेल करने का एक वीडियो बना दो ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएँ और हमारा जो डॉक्स टोकन है उसे सेल करके प्रॉफिट बुक कर पाएँ, चाहे वो टेलीग्राम वॉलेट पर हो या फिर एक्सचेंज पर हो। और हाँ, टेलीग्राम वॉलेट पर अगर आप लोगों ने डॉक्स टोकन का विड्रॉ लगाया है तो वहां पे आप लोगों को भाई स्वैप करने या फिर सेंड करने में आप लोगों को टोन में फीस चाहिए होगा, तो कितना फीस लगेगा, कहां से आप लोग लेंगे फीस टोन फी, तो इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और भाई कुछ लोग का ऑन चैन अभी विड्रॉ करना बाकी है, तो ऑन चैन विड्रॉ कब होगा, जैसे टेलीग्राम के टोन वॉलेट पर या फिर टोन कीपर वॉलेट पर अगर विड्रॉ करना चाहते हो डॉक्स टोकन को, वो कैसे करेंगे, कब स्टार्ट होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और डॉक्स टोकन को सेल करना चाहिए फिर होल्ड करना चाहिए, कब हम प्रॉफिट बुक करेंगे, इसके बारे में हम लोग लास्ट में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहेगा, मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप लोग को इस वीडियो में बताता चला जाऊंगा। अब सबसे पहले तो जो भी लोग जहाँ पे भी विड्रॉ लगाए होंगे उनको वहाँ पे मिल चुका है, जैसे मैं यहाँ पे बाइनांस पे लगाया था तो मेरे को बाइनांस से मिल चुका है, जो लोग OKX लगाए या फिर बाइबिट पे लगाए या फिर गेट पे लगाए या फिर टेलीग्राम वॉलेट पे लगाए, जो जहाँ पे लगाए सभी लोगों को उनका जो भी डॉक्स टोकन है वो उनको मिल गया होगा। अब जिन लोग को नहीं मिला होगा तो उस हाल में यही हो सकता है, या तो आप लोग बोट में आ गए होंगे या तो फिर आप लोग को रिटर्न में यहाँ पे डॉक्स टोकन मिल गया होगा, दोबारा विड्रॉ करने का ऑप्शन होगा। और दोबारा विड्रॉ करने के ऑप्शन में यहाँ पे जो ऑन चैन ऑप्शन था ना भाई, जो भी लोग टोन कीपर वॉलेट में डिपॉजिट कर सकते थे अपने डॉक्स को या फिर टेलीग्राम के स्पेस बीटा वाले में, तो वो अभी उसमें ऑप्शन जो है वो शायद इनेबल हो चुका है, वो भी देख लेते हैं। हाँ तो भाई अभी 2:21 पे यहाँ पे जो है स्टार्ट वो हो चुका है, अभी समय में आप लोग ऑन चैन विड्रॉ जो है वो अभी इनेबल इनका हो चुका है, तो अभी आप लोग अब जो है डॉक्स टोकन को अपने जो टोन कीपर वॉलेट है या फिर जैसे टेलीग्राम का टोन वॉलेट है या फिर कोई टोन वॉलेट है वहाँ पे आप लोग डॉक्स टोकन को आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं एक्सचेंज बिना एक्सचेंज वाला, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे अब बात करते हैं कि आप लोग डॉक्स टोकन को सेल कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाइनांस पे आप लोग को सेल कैसे करना हो, तो बाइनांस में सेल करने के लिए आप लोग का जैसे यहाँ पे देखिए वॉलेट होगा, यहाँ पे आइएगा, ऊपर देखिएगा स्पोर्ट होगा, यहाँ पे आइएगा, उसके बाद फिर देखिएगा आप लोग का यहाँ पे जो है डॉक्स यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। जितना भी आप लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट करा होगा उसका 20% एक्स्ट्रा या फिर 20,000 एक्स्ट्रा या फिर 10,000 एक्स्ट्रा आप लोग को डॉक्स मिला होगा, जो मैंने बताया था, ठीक है। तो अभी इसको सेल करने के लिए सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रेड का ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग आएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे जो पेयर है ना आप लोग पेयर पर सेलेक्ट करके यहाँ पे DOGX यहाँ पे इस टाइप से लिखेंगे ना यहाँ पे आप लोग को पेयर आ जाएगा, ठीक है, डॉक्स का पेयर आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है, जब ट्रेडिंग का स्टार्ट होगा तब यहाँ पे आएगा। अब ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगा वो भी आप लोग को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अब जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगा यानी कि जब लिस्टिंग होगा डॉक्स का वो कब होगा, तो ये होगा भाई 12 PM UTC जो कि UTC टाइम है, और अगर इंडियन टाइम के हिसाब से बात करें तो शाम का 5:30 बजे 26 अगस्त को, ठीक है, मतलब आज के ही दिन में 5:30 बजे जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, सभी एक्सचेंज पे होगा, ओके। तो जैसे आप लोग का यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट होता है उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग पेयर यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, जैसे आप लोग पेयर सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर आप लोग मैं बताता हूँ, जैसे ये ENA है तो यहाँ पे आप लोग का डॉक्स हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बाय सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग को देखिए आप लोग बाय तो करना है नहीं, सेल ही करना होगा, तो सेल वाला जो ऑप्शन होगा वो आप लोग को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप लोग को डॉक्स टोकन होना चाहिए, ठीक है, ENA नहीं होना चाहिए, मैं उदाहरण के तौर पर आप लोग को जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे लिमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, लिमिट को आप लोग हटा करके आप लोग करेंगे तो तुरंत सेल हो जाएगा, लिमिट को करेंगे तो कुछ टाइम पे टाइम लगेगा, तो मार्केट का करेंगे तो मार्केट पे करके तुरंत आप लोग जितना भी परसेंटेज जितना भी आपका टोकन रहेगा वो सेल पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर सेल पे क्लिक करिएगा, आपका डॉक्स टोकन जो है वो आप लोग का सेल हो जाएगा। अगर यहां पे लिमिट पे करना चाहते हो, लिमिट का मतलब ये होता है कि जो भी प्राइस आप यहां पे डाल दिए रहेंगे ना उस प्राइस पे ही आप लोग का जो है वो डॉक्स आप लोग का सेल होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है यहां पे बाइनांस एक्सचेंज पे, इस टाइप से आप लोग यहां पे जो है सेल कर पाएंगे। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग बाइबिट एक्सचेंज में कैसे आप लोग सेल करेंगे, तो बाइबिट में आप लोग एसेट पे आइएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी आप लोग को डॉक्स मिला होगा ना वो फंडिंग में मिला होगा, तो इससे आप लोगों को लाना होगा यहाँ पे यूनिफी ट्रेडिंग में। तो आप वो कैसे लाएंगे, सिंपल से फंडिंग पे आप लोग क्लिक करिएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है, ट्रांसफर पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ऊपर आप लोग को यहाँ पे जो है फंडिंग अकाउंट मिल जाएगा, नीचे आप लोग को यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो करेंसी होगा ना कॉइन में, तो वो आप लोग वहाँ पे डॉक्स सेलेक्ट करेंगे DOS इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से सेलेक्ट करेंगे, जितना भी अमाउंट रहेगा मैक्स करके आप लोग जो है ट्रांसफर कर लीजिएगा कंफर्म पे क्लिक करके, ठीक है। जैसे आप लोग कंफर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर जो भी आप लोग का फंड रहेगा ना वो ट्रेडिंग वाले में आ जाएगा, उसके बाद फिर स्पोर्ट पे नीचे आइएगा और उसके बाद फिर यहां पे भी आप लोग को सेम वैसे ही आप लोग को सर्च करना है DOGX स्टेप से आप लोग सर्च करेंगे तो यहां पे आ जाएगा, जैसे ऊपर वाला आ रहा है कमिंग सून दिखा रहा है, तो यहां पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहां पे भी आप लोग को बाय सेल करने का आ जाएगा, तो सेल पे सेल करके आप लोग इस स्टेप से सेल कर पाएंगे। ऑलमोस्ट सेम जैसे बाइनांस पे है, सभी एक्सचेंज पे ऐसे कर सकते हैं, बस बाइबिट का थोड़ा सा अलग होता है, फंडिंग में लेकर करना होता है, तो इस टाइप से आप लोग जो है वो आप लोग इस टाइप से समझ गए होंगे, इस टाइप से आप लोग जो है एक्सचेंज का आप लोग सेल कर पाएंगे।
अब बात करते हैं जो भी लोग का टेलीग्राम वॉलेट पे जो लोग भी विड्रो लगाए थे अपना डॉक्स टोकन को, वो कैसे आप लोग जो है यहाँ पे सेल कर पाएंगे, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो इसके लिए सिंपल देखिए क्या है ना कि यहाँ पे जैसे ये एरो है ना, आप जो भी आप लोग को मिला होगा ना इस वाले वॉलेट पर मिला होगा, ना कि यहाँ पे टोन स्पेस बीटा मिला होगा। ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है और सेंट्रलाइज ही एक्सचेंज है, और सेल करने के लिए या फिर सिम करने के लिए छोटा मोटा ट्रेडिंग के लिए बेसिक केवाईसी से ही आप लोग ट्रेड वर्कर कर सकते हैं। इसमें वो नहीं कि भाई आप लोग का केवाईसी जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वाला करना होगा, ठीक है। तो ये आप लोग कन्फर्म हो रहा उसके फिर जो एरो है ना आप लोग इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितना भी आप लोग का डॉक्स रहेगा वो यहाँ पे आप लोग का दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे 181 188 मेरा जो है डॉक्स यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद फिर जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप लोग को तीन चार ऑप्शन मिल जाएगा, एक सेंड मिल जाएगा, एक रिसीव, एक क्रिप्टो और एक्सचेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी एक्सचेंज का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं है। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पे सेंड करने जाएंगे ना, सेंड का ऑप्शन अगर चूज करेंगे तो ये जो ऑप्शन है ना वो ओपन कब होगा, वो 27 अगस्त को होगा। तो हम लोग को यहाँ से विड्रॉ तो करना है ना भाई, हम लोग को सेल करना है। तो सेल कब होगा वो भी आप लोगों को बता दूं। जैसे यहाँ पे मैं एक्सचेंज पे क्लिक करता हूँ तो ये बताया जा रहा है 26 अगस्त को 5:35 PM पे, यानी कि जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा एक्सचेंज पे ना, एक्सचेंज के ट्रेडिंग स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद फिर हम यहाँ पे जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग ट्रेड कर पाएंगे तो भाई उस हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है जो भी है, बट ये तो जो टर्म है वो हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ मैं ओके कर लेता हूँ तो अब सेल कैसे करेंगे। सेल करने के लिए भाई आप लोग को यहाँ पे चाहिए टोन फी। अब टोन फी आप लोग कितना डिपॉजिट करेंगे, कैसे डिपॉजिट करेंगे, तो डिपॉजिट करने के लिए अगर आप लोग के यहाँ पे अगर टोन स्पेस बीटा पे है तो यहीं से आप लोग ट्रांसफर कर लीजिएगा। ट्रांसफर कैसे करना है वो भी आप लोगों को बता दूँ। सिंपल से टोन स्पेस बीटा पे आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर सेंड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टोन कॉइन सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद फिर नीचे वाला जो ऑप्शन है इसको आप लोग टोन योर टोन वॉलेट जो है इसको सेलेक्ट करिएगा। अब कितना सेंड करना है वो आप लोग जो अमाउंट डाल करके आप लोग यहाँ पे सेंड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग का भाई यहाँ पे कुछ भी डॉलर नहीं है तो इसके लिए आप लोग कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए सिंपल से आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे जो यहाँ है इसको आप लोग करिएगा, नीचे जो एरो है इस पे करेंगे तो यहाँ पे टोन कॉइन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेंड रिसीव का ऑप्शन मिल जाएगा, रिसीव पे क्लिक करना, अब यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा। अब ये जो एड्रेस है वो आप लोग कॉपी कर लेंगे। अब इस एड्रेस पे कहाँ से टोन डिपॉजिट करेंगे, तो आप लोग MEXC एक्सचेंज चूज कर सकते हैं या फिर जो बाइबिट एक्सचेंज या फिर बाइनांस एक्सचेंज है वहाँ से आप लोग विड्रॉ कर सकते हो। बट बहुत ही कम फीस में अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप लोग MEXC एक्सचेंज से कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी थोड़ा आप लोग मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे MEXC एक्सचेंज ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले भाई आप लोग यहाँ पे टोन जो है कुछ आप लोग यहाँ पे बाई कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे बाई कर लीजिएगा उसके फिर वॉलेट पे आइएगा, यहाँ पे आप लोग को विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है, विड्रॉ सेलेक्ट करना है, ऊपर आप लोग टोन डाल दीजिएगा, उसके फिर ऑन चैन विड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो है आप लोग जो भी टोन का जो एड्रेस आप रहेगा उसको डाल दीजिएगा, उसके फिर टोन यहाँ पे आ जाएगा। और मेमो से डालना है तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग एक्सचेंज से वॉलेट पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना फीस है, 0.01 टोन यहाँ पे फीस है जो कि बहुत ही कम फी है। तो यहाँ से आप लोग जो है विड्रॉ कर सकते हो। अब जिनके पास MEXC एक्सचेंज नहीं तो भाई उसके लिए चैनल पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जो है कर सकते हो, ठीक है। अब कितना आप लोग को अमाउंट चाहिए होगा टोन का, तो मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे जो टोन स्पेस बीटा है भाई ना, यहाँ पे ज्यादा फीस नहीं लगता, बहुत ही कम फीस में हम लोग जो है विड्रॉ या फिर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला वॉलेट है ना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फीस लगता है। तो आप लोग $1 से $2 वर्थ का आप लोग टोन यहाँ पे बाय कर लेंगे इतना में काम हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आप लोग टोन यहाँ पे डिपॉजिट कर लिए, अब यहाँ पे सेल कैसे करना है, तो सेल आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पे ये है कि आप लोग यहाँ पे डॉक्स पे ही आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करिएगा, उसके बाद फिर एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे, वहां पे आ जाएगा सेल करने का। अब यहाँ पे उसके बाद फिर अगर आप लोग चाहो तो फिर आप लोग यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे जो ऊपर वॉलेट है ना, यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ऊपर जो यहाँ पे जो टोन का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे आप लोग को डॉक्स सेलेक्ट करना होगा। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्स का जो ये ऑप्शन है हाईलाइट नहीं है, तो ये जैसे ये ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा ना तब यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्स सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर नीचे वाले में आप लोग क्या करिएगा, आप लोग USDT कर सकते हैं या फिर टोन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे USDT पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोन सेलेक्ट करने का आएगा, टोन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर कितना अमाउंट सेल करना है मैक्स कर लीजिएगा या फिर जो भी अमाउंट डालना है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कन्फर्म रिव्यू करने का आ जाएगा, रिव्यू कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे फीस दिखाएगा कितना फीस उस कट रहा है, उसके बाद फिर कंफर्म कर दीजिएगा ट्रांजेक्शन आपका जो है ये जो है सेल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग का भाई सेल हो जाता है, आप लोग के पास में टोन आ जाता है या फिर USDT आ जाता है, तो फिर आप लोग क्या करिएगा उससे आप लोग सेल कर सकते हैं। मतलब कि उसको आप लोग एक्सचेंज पे ला सकते हैं या फिर यहीं से आप लोग जो है अगर आप लोग भाई P2P करते हैं तो यहाँ से भी P2P मार्केट है, यहाँ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारा रिस्क होता है भाई, काफ़ी लोग जो है इनलीगल पैसा देते हैं जिससे क्या होता है बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। तो इस
हालत में आप लोग क्या कर सकते हैं, जिनको भी INR में लेना है, बैंक में विड्रॉ करना है, वो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग मैं बता दूंगा जैसे जैसे करना है, उस टाइप से आप लोग जो है डॉलर को सेल करके INR में कन्वर्ट करके आप लोग अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, जो कि 100% सेफ तरीके से। बाकी आप लोग एक्सचेंज के माध्यम से भी P2P कर सकते हैं, लेकिन भाई वहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है, अगर आप लोग गलती कर दिए या फिर कुछ ऐसे सेलर मिल गए जो कि आपके साथ में कुछ स्कैम कर गए भाई, तो आपका बैंक भी फ्रीज होगा, आपका जो भी पेमेंट आप लोग मिलना चाहिए वो भी आप लोग को नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, झंझट होता है, जो कि स्कैम या फिर फ्रीज हो जाता है आप लोग के साथ में, ठीक है। बाकी जो लोग पुराने होंगे उनको पता ही होगा, तो टेलीग्राम चैनल पे हमारा जुड़ जाना, बाकी कोई अपडेट या फिर जानकारी होती है वो तो यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, तो उसके लिए भी यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। बाकी जिनको यहाँ पे होल्ड करना है टोन टोकन को, या फिर जिनको एक्सचेंज पे ला करके सेल करना है, तो वो लोग सिंपल से यहाँ पे विड्रॉ मान लीजिएगा। आप यहाँ पे विड्रॉ करते टाइम भाई आप लोग मेमो का जरूर यूज कर लेना है एक्सचेंज का, अगर आप लोग वॉलेट से वॉलेट पे सेंड कर रहे हो तो कोई भी मेमो को जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर वॉलेट से आप लोग एक्सचेंज पे सेंड कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोग मेमो जरूर डालिएगा, मेमो नहीं डालोगे भाई तो आपका जो भी फंड है वो यहाँ पे लॉस हो जाएगा, तो उस हाल में आप लोग को कोई भी फंड आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेमो आप लोग जरूर डाल करके एक्सचेंज पे विड्रॉ करना, ठीक, तो ये आप लोग ध्यान देना। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्स टोकन को सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, तो जो डॉक्स टोकन है ना वो टोन ब्लॉकचेन का फर्स्ट मीम कॉइन है। मीम कॉइन का मतलब भाई प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता रहता है, इसका मतलब कभी भी डंप हो सकता है, अप हो सकता है ऐसा, लेकिन फर्स्ट मीम कॉइन है तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है, अच्छा साबित देखने को हो सकता है, बाकी क्या होगा पता नहीं। और अभी समय में देखिए, अगर आप लोग 100% सेफ तरीके से प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इस हालत में आप लोग को बोलूँगा भाई कि 100% आप लोग जो है डॉक्स अपना सेल कर सकते हैं। बाकी इनका मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे 1 बिलियन के आसपास में तो मार्केट कैप देखने को नज़र में आ सकता है, कम भी आ सकता है लेकिन 1 बिलियन के आसपास में आ जाएगा, और 1 बिलियन के अगर आसपास में आता है तो $0.002 के आसपास में ये डॉक्स का प्राइस आ सकता है, ठीक है। अगर कम होगा मार्केट कैप तो भाई वहाँ पे जो है प्राइस जो है डॉक्स का वो कम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो लोग भाई रिस्क लेने वाले हैं तो उनको मैं बोलूँगा 50-60% आप लोग सेल करके प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, बाकी जो भी है वो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो अगर प्राइस आपको देखने को अच्छा मिलता है तो आप लोग शुरुआत में सेल कर दो, और उसके बाद फिर जब भी प्राइस नीचे डाउन आ जाए तो उस समय आप लोग यहाँ पे जो है डॉक्स को बाई कर सकते हो। बाकी इसमें यह भी हो सकता है यार, लिस्टिंग के समय जो है डॉक्स का अच्छा प्राइस जो भी है और कुछ टाइम के बाद इसका प्राइस बढ़ने भी लगे, जैसे नॉट कॉइन में कुछ कभी कभी हुआ था, ठीक है, कुछ टाइम के बाद बढ़ने भी लगा था, लोग सेल कर दिए थे, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी हर एक एक्सचेंज पे अलग अलग रेट आप लोग को थोड़ा बहुत देखने को नजर में आ सकता है, 5-10 मिनट के बाद सब कुछ वही हो जाएगा। बाकी सब कुछ मैंने बता दिया क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, जो भी आपकी मर्जी उसके हिसाब से अपनों कर लीजिएगा। अब इसके अलावा कोई आपके मन में अभी भी डाउट है या फिर सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं लगा डिसलाइक करिए, वो आपकी मर्जी। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कोई भी अपडेट या फिर जानकारी होगी वहाँ पे सबसे पहले अपडेट करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहें, धन्यवाद।